नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी आईएएस पीटी 2020 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का जो सवाल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज जो सवाल है वह है भारत के इतिहास के संदर्भ में। भारत के इतिहास, भारत एंशिएंट पीरियड की बात करता हूँ, मतलब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपके नज़र में होना चाहिए, आपके इमेजिनेशन में होना चाहिए। कहता है उस भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं। इंग्लिश में पढ़े तो कहता है विथ रिफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुल्यवाप एंड द्रोणवाप डिनोट। ये जो कुल्यवाप और द्रोणवाप वर्ड है यह किस चीज को निर्देश करता है, निर्दिष्ट करता है, इंगित करता है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मेजरमेंट ऑफ लैंड भूमाप। सेकेंड ऑप्शन है क्वाइंस ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यूज। डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यूज की जो क्वाइन है वो। सी कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, जो नगर की भूमि है उनका वर्गीकरण। एंड डी वन रिलीजियस रिचुअल्स। ये चार ऑप्शन से कौन सही है हम उस पर देखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं तो आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको देखिएगा, देखिए इन गुप्ता पीरियड की बात करते हैं। गुप्ता पीरियड में, गुप्ता पीरियड याद आ रहा है, गुप्ता पीरियड का मतलब टाइम और स्पेस, मतलब उसका टेरिटोरियल जो एक्सटेंशन था वो है ना। और साथ ही साथ गुप्ता पीरियड के जो इम्पोर्टेंट राजा है वो, ये सब आपके याद आना चाहिए। तो TSP टाइम स्पेस एंड पर्सनैलिटी। तो गुप्ता इरा की बात करते हैं। द टर्म्स कुल्यवापा एंड द्रोणवापा वे रिलेटेड टू लैंड मेजरमेंट्स। कहता है गुप्ता इरा में, गुप्ता के समय में ये दो शब्द जो है वह जुड़ा हुआ है किससे, तो भूमापन से, लैंड मेजरमेंट से। आगे कहता है मेनली मेंशन्ड इन द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस दैट वर फाउंड इन बंगाल। आप जानते हैं गुप्ता पीरियड का जो एरिया है, गुप्ता जो डायनेस्टी है उसका एरिया टेरिटोरियल एक्सटेंशन में उस पर बंगाल भी आ जाता है। कहता है बंगाल से बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उसमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस भी बहुत मिले हैं। बेसिकली उस समय जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस था उस पर लिखा रहता था कि ये भूमि किसका है। पहला, भूमि किसी को ट्रांसफर किया जाता था तो बेचा खरीदा जाता था तो उसका सारा चीज उसमें लिखा रहता था। साथ ही साथ कैसे मापन होता था, टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता था, ये सारी बातें उस कॉपर प्लेट पर लिखा रहता था। वही जो सोर्स हमें मिला है उसी के आधार पर हम गुप्ता इरा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उसी कॉपर प्लेट पर ये सारी बातें लिखा गया है, उसी में कुल्यवापा और द्रोणवापा ये दोनों टर्मोलॉजी भी मेंशन किया हुआ है। क्लियर ये बात। कहता है कि ये उस समय में जो प्राइमरी रिसोर्सेस थे सोसाइटी का क्या था पता है आपको, एग्रीकल्चर क्रॉप्स था, मतलब उस समय में। और अभी भी कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो मेन सोर्स ऑफ रिसोर्सेस था वह एग्रीकल्चर क्रॉप्स ही था। कहता है ये जो है रिसोर्सेस एग्रीकल्चर क्रॉप्स आल्सो प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एस्टेट्स रिवेन्यू। एस्टेट का जो रिवेन्यू होता था इसका बहुत बड़ा भाग, सिग्निफिकेंट पोर्शन, बहुत बड़ा भाग इस एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होता था उसी से कलेक्ट किया जाता था। ट्रेड से भी होता था लेकिन ज़्यादातर भाग एग्रीकल्चर क्रॉप से होता था। इसीलिए चूंकि रिवेन्यू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स था, इसीलिए गवर्नमेंट जो थी उस समय, जो एस्टेट था, जो डायनेस्टी का रूल था, जो रूलर्स था, वो भी एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर की जो खेती होती थी, जो भूमि पर जो खेत होता था उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे, सचेत रहते थे। मेजरमेंट कैसे किया जाए, कौन सा फसल लगाया जाए, कैसे उसका अच्छा फसल हो, उन सबको लेकर के जो एस्टेट होता था वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रयास करता था। इसीलिए ये जो सोर्सेस है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिलता है क्योंकि एस्टेट को, एस्टेट जो लैंड को ट्रांसफर करती थी उनका भी इस पर लिखा हुआ है, इस पर भी जिक्र है। क्लियर। आगे अगर हम कहें इसमें जो द्रोणवाप और कुल्यवापा जो दो वर्ड है, इसमें जो वापा है, वाप, वाप का मतलब होता है टू सो, मतलब क्या, जमीन में फसल को बोना, बीज को बोना। जैसे मैं अपनी माँ से बोलता हूँ, माँ कितना खेती हुआ है इस बार गेहूं का, तो माँ बोलती है लगभग 10-15 बीघा में जो खेत है ना उसमें गेहूं लगाए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस खेत में गेहूं का बीज डाला गया है। माँ से पूछता हूँ माँ कितना खेती है इस बार धान का, तो वो बोलती है लगभग 7-8 बीघा धान की खेती कर रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि धान का जो बीज है वो लगाया गया है 7-8 बीघा खेत में।
तो इसका मतलब सो मतलब होता है बीज बोना, वह जिसका कि एक मीनिंग होता है वाप। क्लियर। द वर्ड यूज फॉर लार्ज डिस्टेंस, ऐसा भूभाग जो बहुत बड़ा हो उसके लिए इतना ये टर्मोलॉजी यूज किया जाता था, द्रोण वाप और कुल्य वाप। द्रोण वाप का जो मतलब होता था वो लगभग 1.5 एकड़ से 2 एकड़ के बीच का जो लैंड होता था उसको द्रोण वाप कहा जाता था, और कुल्य वाप का मतलब 12 एकड़ से 16 एकड़ के बीच का जो लैंड होता था उसको द्रोण वाप कहा जाता था। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो टर्मोलॉजी है वह भूमि मापन से रिलेटेड है, मतलब मेजरमेंट ऑफ लैंड से जुड़ा हुआ है। ये बात समझ में आ गई। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन होगा मेजरमेंट ऑफ लैंड। ये क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने आज इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है क्या कि ये जो 3 और ऑप्शंस हैं इसके बारे में जहाँ कहीं भी आप अच्छे रिसोर्सेज को पढ़ें, सोर्सेज को पढ़ रहे हैं, जिसे विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के जैसे क्या क्या कहा जाता था एंशियंट पीरियड में अगर आप पढ़ें, तो वहाँ पे आप सचेत हो जाइए कि अगर इस ऑप्शन में ये 3 ऑप्शंस में ये बात लिखी हुई है तो आने वाले समय में ये क्वेश्चंस फिर कभी बन सकता है। नगर की भूमि का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता था और वर्गीकरण करने के बाद उनका क्या क्या नामांकन होता था वह भी क्वेश्चन बन सकता था। और जो धार्मिक अनुष्ठान होता था जैसे सत वो अश्वमेघ यज्ञ होता था और बहुत सारे जो अनुष्ठान रिचुअल्स होते थे उनका क्या नाम होता था, ये सब भी आने वाले समय में ये सारे कल्चर के क्वेश्चन हो जाएंगे। धार्मिक अनुष्ठान किसका क्या नाम दिया जाता था, ये कल्चर का पार्ट हो जाएगा। इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ऑप्शन तो सही हो गया, उसके अलावा जो 3 और ऑप्शन है वह इम्पॉर्टेंट है, आने वाले समय में इससे रिलेटेड भी सवाल पूछा जा सकता है। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि UPSC एक ऑप्शन के अलावा जो 3 और ऑप्शन दी है वो ऐसा वैसा ऑप्शन उठा के नहीं दे सकती है, वह भी अपने एरिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यह एक तरह का इंडिकेशन है UPSC के द्वारा कि भैया आप इनके लिए भी तैयार रहो, आने वाले समय में सवाल पूछा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, इसलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें और अपना वैल्यूबल कॉमेंट जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। थैंक यू डियर।